चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, चलिए, मैं क्लास में बताना भूल गया था, मॉर्निंग में इलेक्ट्रिकल वालों की इंडक्शन मशीन की क्लास में लूंगा 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। ठीक है, 1.5 घंटे की पर डे क्लास रहेगी कल से। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर थे वो मैंने आपको चला दिए, कल से मैं प्रॉपर आपकी जो है क्लास लूंगा। ठीक है, लाइव क्लास होगी आपकी। ठीक है, दूसरा चीज है कि जो है कल से 7 बजे की क्लास लूंगा मैं आपका जो है 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक डिजिटल की, और 8:30 से लेकर 10 बजे तक यूटिलाइजेशन की। वो क्लास भी आपकी प्रॉपर ही चलेगी जो है। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर है, 1 से 1.5 महीने थोड़ा सा पर्टिकुलर क्लास हम लोग लेंगे जो है, जिससे कि जो है चीजें कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा। दूसरा चीज जो है कि हम लोग पिछले लेक्चर में आपका जो है साइन नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग को साइन नंबर्स को ऐड करना सीखना है और आपका जो है ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है उसको हम लोग समझना चाहते हैं। ठीक है, तो दो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुका था। अरे कहने वाली बात नहीं है, मैं 2-3 दिन से जो है खुद बिजी था, इस वजह से नहीं ले पाया। ठीक है, कल से मैं लूंगा प्रॉपर। ठीक है, चलो दूसरा चीज यहाँ पर जो है, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अब डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, और हम लोग ने 2 केसेस में डिस्कस किए थे। दैट इज, पहला आपका केस था कि पॉजिटिव नंबर को हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते। तो मैंने बताया था कि अगर आप जो है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं इसका, ठीक है, पॉजिटिव नंबर का, तो कोई सा भी आपका साइन मैग्नेट का, कोई भी आपके साइन नंबर का, यदि कोई किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन करिए, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करिए, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करिए या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करिए, तीनों ही रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होता है। और वो किसकी तरह होता है? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में आपकी जो MSB बिट होती है वो असाइन होती है, इसके लिए बेटा साइन बिट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए साइन बिट क्या होती है? 0 होती है, और बाकी की जो बिट होती है दे आर असाइन फॉर द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपका जो है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन भी वो भी आपके साइन नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आप देखेंगे कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में एक दिक्कत थी, ड्रॉबैक था कि 0 को हम लोग जो है क्या कर रहे थे, 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, 0 के एक ही नंबर के 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। यहां पर वो रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, 0 को हम लोग केवल एक ही जो है क्या करने वाले हैं, साइन के साथ एक ही जो है 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रेंज थोड़ा सा यहां पर अलग हो जाएगी। ठीक है, और टूज कॉम्प्लीमेंट ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंटेशन, तो इसको ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। तो पॉजिटिव नंबर का जब मैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो बिल्कुल सेम आएगा साइन, दैट इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे किया था, पॉजिटिव नंबर का सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, दिक्कत आएगी दैट इज द निगेटिव नंबर में। तो निगेटिव नंबर में क्या करेंगे, जब भी निगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हमें करना होगा तो हम निगेटिव नंबर को ना लेके हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करने, उसके बाद जो भी आपका जो है पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आएगा उसका हम लोग क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में वंस कॉम्प्लीमेंट लेते थे, वहां पर हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, और टूज कॉम्प्लीमेंट लेने मैंने बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, हमेशा लेफ्ट से राइट या फिर आप जो है हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। और बेटा कहां तक जो है चीजें कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, पहले वन तक, जब तक पहला वन नहीं मिल जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट होंगी सबको कॉपी पेस्ट कर देंगे। पहले वन के बाद जितने भी आपके पास डिजिट होंगी सबको क्या कर देंगे, उनका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे या फिर फ्लिप कर देंगे, जहां 0 होगा वहां पर 1 कर देंगे और 1 को क्या कर देंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे। और जो आपके पास नंबर आएगा, ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो आपके निगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट में एक प्रॉपर्टी थी कि अगर आपको किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आता है, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे आपके पास निगेटिव नंबर हो,
मिनिमम कितने नंबर पे आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर आपको मिनिमम रिप्रेजेंटेशन आता है तो उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ ज्यादा बिट पे रिप्रेजेंटेशन करना है तो केवल आपको क्या करना होता था, एमएसबी बिट को आप क्या करते थे, एक्सटेंड कर देते थे, ठीक है, दैट इज द एमएसबी बिट कैन बी एक्सटेंडेड। उसी तरह टूज कॉम्प्लीमेंट में भी आप एमएसबी बिट को कितनी भी बार एक्सटेंड कर दो, नंबर के रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेशन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने डिकोडिंग सीखी थी कि अगर आपके पास किसी साइन नंबर का, पॉजिटिव से नेगेटिव नंबर का, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिकोड करके उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। उसके लिए हमने देखा था कि जो भी आपको जो है साइन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का, सबसे पहले मैं एमएसबी बिट को देख रहा था, अगर एमएसबी बिट जीरो थी तो मैंने प्लस साइन लगाया था, उसके बाद जो भी आपके पास बाइनरी कोड लिखा हुआ था उसका हम लोगों ने क्या कर दिया था, डेसी इक्विवेलेंट निकाल लिया था। अगर आपकी एमएसबी बिट वन थी तो हम लोगों ने माइनस साइन लगाया था, और जो भी आपको जो है बाइनरी नंबर दिया था उसका मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था, और इस वंस कॉम्प्लीमेंट का बाद मैंने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद रेंज देखी थी, डिसएडवांटेज देखा था, तो चलो हम लोग अपने नंबर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइन नंबर, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, ये टॉपिक पूछा जाता है, ये आपको टॉपिक काफी आसानी समझ में आ जाएगा क्योंकि तो पिछले दो टॉपिक मैंने आपको सही से पढ़ाए हुए, ठीक है। चलिए यहां पर लिख रहे हैं, दैट इज दो केस में हम बात कर रहे हैं, दैट इज केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, बिल्कुल सेम होगा जैसे हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करते थे। पहली जो एमएसबी बिट होगी, दिस इज फॉर असाइनिंग फॉर द साइन, और चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट होती थी वहां पर हम क्या असाइन करते थे, जीरो असाइन करते थे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के लिए जो साइन बिट होती थी वहां जीरो लिखते थे, बाकी की जितनी बिट होती थी वहां पर मैग्नीट्यूड लिखते थे। लिख रहा हूं, दैट इज सेम एज, सेम एज ए साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, सेम एज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेम एज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। जैसा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम आपको टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट, तीनों ही रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, सेम। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कैसे रिप्रेजेंट द एक मिनट जरा, हेलो अभी कौन,
चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिख रहे हैं रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द प्लस सेवन इन द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपके पास प्लस सेवन है और प्लस सेवन आपका पॉजिटिव नंबर है, इस पॉजिटिव नंबर को आपको टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए अपने कंप्यूटर में जो साइन नंबर को रिप्रेजेंटेशन के लिए लॉजिक लगा रखा है दैट इज अ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो अगर आप अपने कंप्यूटर में प्लस सेवन एंटर करेंगे तो उसको किस तरह से बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नाउ प्लस सेवन के लिए प्लस सेवन का रिप्रेजेंटेशन जो होगा टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट सेम होगा जैसे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करूं तो आप देखेंगे आपकी जो एमएसबी बिट होगी वो असाइन हो जाएगी जीरो। साइन के लिए आप क्या करेंगे, एक बिट यूज करेंगे जो कि एमएसबी होगी, और बेटा सेवन पर जब बाइनरी आप लिखेंगे तो तीन बिट, तो टोटल कम से कम चार बिट का रिक्वायरमेंट होने वाला है और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा जीरो वन वन वन। साइन के लिए दैट इज साइन के लिए आपने क्या किया है, एमएसबी बिट इज यूज एज ए साइन बिट, दिस इज फॉर साइन एंड दिस इज योर फॉर आपकी जो लास्ट के तीन बिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस फॉर द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो है मिनिमम, अगर प्लस सेवन को टूज कॉम्प्लीमेंट पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम चार बिट का रिक्वायरमेंट होगा पॉजिटिव नंबर को, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की तय करते हैं मिनिमम चार बिट। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जमा लीजिए आप प्लस तेरह को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, प्लस तेरह ये पॉजिटिव नंबर है, इसका जो है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट इज इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, बताइए व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखेंगे एक बिट एमएसबी बिट तो आपके जो है प्लस साइन के लिए एक बिट आ जाएगी, तेरह तेरह आपका जो है जो होगा उसको आपके लिए चार बिट का, तो टोटल पांच बिट का रिक्वायरमेंट होगा प्लस तेरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको टोटल पांच बिट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, प्लस साइन साइन बिट के लिए एक बिट आ जाएगी और साइन बिट के लिए हमेशा साइन बिट में क्या साइन करते हैं, जीरो। और तेरह को जब आप लिखेंगे तो फोर बिट में लिखेंगे, उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं 8421 और तेरह के लिए आपके पास होगा दैट इज 8 4 12 1 13। जिस बिट आप जो है पोजिशन बिट को एड करके तेरह पा रहे हैं वहां पर वन लिखेंगे 1101, तो दिस इज मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। तो दिस इज द 5 बिट का रिक्वायरमेंट होने वाला। चलो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, मिनिमम रिप्रेजेंटेशन है, मिनिमम कितने बिट में रिप्रेजेंट करते हैं आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस नंबर टू, टूज कॉम्प्लीमेंट में निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज होगा ना। क्या इतना लिख लिया है, आगे चल सकते हैं क्या, ये आप लोगों ने लिख लिया है, अगर लिख लिया तो मुझे इंटीमेट करें हम लोग आगे की तरफ चलें। हल्का सा ऊपर कर दें, हल्का सा क्या ऊपर करना है भाई, यहीं से तो स्टार्ट किया है। चलो आ जाओ केस नंबर टू, निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, केस नंबर टू। केस नंबर टू, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर को हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर।
ये क्या लिख रहे हो भाई चंचल, तुम ये कौन सी जो है चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहे हो? अच्छा गलती से आ गए, चाइनीज लैंग्वेज इन गलती। चलो चलो, तो मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल। निगेटिव नंबर को आप क्या करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट। जैसे रिप्रेजेंट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -7 इन द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। आप -7 को टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए। ध्यान सुनिएगा, ठीक है? तो -7 को अगर आप निगेटिव नंबर को लिखना चाहते हो, निगेटिव नंबर को आप वहीं पर लीव कर देंगे तुरंत। आप स्टार्ट करेंगे हमेशा पॉजिटिव नंबर से, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द +7। +7 का सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको -7 का करना था, लेकिन -7 का डायरेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव नंबर। तो दैट इज +7 का हम लोग क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है? नाउ अब आप देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव नंबर का सेम होता है जैसे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो दैट इज प्लस साइन के लिए जीरो साइन हो जाएगा साइन बिट में, और 7 के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको 3 बिट का रिक्वायरमेंट होगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो एंड मैग्नीट्यूड के लिए कम से कम 3 बिट चाहिए। तो नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +7। उसके बाद जो भी आपके पास बाइनरी नंबर आएगा, इस बाइनरी नंबर का आपको क्या ले लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेना। क्या ले लेना है इसका, टूज कॉम्प्लीमेंट। आपको ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है +7 का, +7 का नहीं -7। तो आप क्या करेंगे, +7 का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या, उसके बाद जो भी आपके पास बाइनरी नंबर आएगा उसका क्या लेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट, इस बाइनरी नंबर का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। टूज कॉम्प्लीमेंट का शॉर्टकट मैंने बताया था हमेशा, आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे। हेलो, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट आपको मूव करना है। राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे कहां तक बेटा, कॉपी पेस्ट करना पहले वन तक। देखिए मैं राइट से लेफ्ट मूव किया, मुझको पहले ही क्या मिल गया, वन। पहले वन तक आपको सारी डिजिट्स कॉपी पेस्ट करनी है, वन तक। तो पहले पहले ही नंबर आपको वन मिल गया, तो इसको आप क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। कब तक कॉपी पेस्ट करना है, पहले वन तक कर दिया, पहले वन तक। उसके बाद जितनी भी डिजिट होंगी सबका क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट। ईच डिजिट कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, दैट इज वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, और बेटा जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन। तो दिस इज, इसके बाद जितनी भी डिजिट होंगी सबका कॉम्प्लीमेंट लेना है, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, और बेटा जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन। ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -7। दिस इज नथिंग बट द -7 का, ये क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जब मैं इस टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को डिकोड करूंगा ना डेसिमल में, तो -7 ही आएगा। तो -7 को अगर आप जो है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, तो मिनिमम कितनी बिट का रिक्वायरमेंट होगा, 4। क्योंकि पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन से ही आप निगेटिव रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, +7 के रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम 4 बिट। तो -7 को भी अगर आप जो है टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो मिनिमम कितनी बिट का रिक्वायरमेंट होगा, 4 बिट का रिक्वायरमेंट होने वाला। एक और एग्जाम्पल करेंगे निगेटिव नंबर के लिए, अभी मैं डिकोडिंग करना भी आपको बताऊंगा। चलिए हो गया हो तो आगे चले, दैट इज, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम -12 का रिप्रेजेंटेशन करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। चलिए पूजा गुप्ता तुम क्लास में नहीं आ रही हो,
इस पे काफी चीजें छूट जाएंगी, सिग्नल खत्म होने वाला है, 10 दिन के अंदर सिग्नल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, डीआरडीओ का पेपर है, घर से जो है घर में कम रहे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नाउ दिस इज लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -12, ये एक साइन नंबर, निगेटिव नंबर, साइन नंबर, रिप्रेजेंट -12 इन टूगुल्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज, आपको निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है तो निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट नहीं करते, स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव नंबर। तो प्लस 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि बिल्कुल सेम होगा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। प्लस 12, पहला एक बिट आपकी एमएसबी बिट जो होगी वो असाइन होगी साइन के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए साइन बिट में यूज करते हैं 0, 12 के लिए होगा दैट इज 1100, मैग्नीट्यूड के लिए 4 बिट चाहिए, 1100, 84, हाँ दिस इज नथिंग बट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस 12, लेकिन आपको माइनस 12 का करना था, तो ये जो आपके पास बाइनरी नंबर आएगा, इस बाइनरी नंबर का आप क्या लेने वाले हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट लेने वाले, टूज कॉम्प्लीमेंट, और टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, हमेशा आप जो है क्या करेंगे, दैट इज हमेशा आप जो है अप्रोच करेंगे राइट टू लेफ्ट, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच करेंगे, और कब तक अप्रोच करेंगे, पहले वन तक, जब तक पहला वन ना मिल जाए, पहला वन यहां तक है, दिस इज पहले वन तक आपको सारी डिजिट को कॉपी पेस्ट कर देना, पहले नंबर तक, यानी पहले वन तक सारी डिजिट को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, नाउ दिस इज 001, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले वन के बाद जितने भी आपको डिजिट मिलेंगी सबका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस 12, दिस इज द माइनस 12 का क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। चलो, अब एक चीज मैंने आपको जो है वंस कॉम्प्लीमेंट में भी बताई थी कि जो साइन बिट होती है उसको एक्सटेंड कर देने से, बढ़ा देने से आपके रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं आता है, जब आप उस नंबर को डिकोड करेंगे तो वही आपका साइन नंबर ही आएगा, ठीक है, चाहे पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करे टूज कॉम्प्लीमेंट में, चाहे निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करे, अगर आपको किसी नंबर का मिनिमम कितने बिट में रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम है और आप ज्यादा बिट पे रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो कुछ नहीं करिए, मिनिमम रिप्रेजेंटेशन करने के बाद जो साइन बिट होगी उसको आप क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, पॉजिटिव नंबर के लिए भी ट्रू होगा, निगेटिव नंबर के, इसको मैं दिखाता हूं, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में था, ठीक है, चलिए आ जाइए, यहां तक अगर हो गया तो आगे चले। चलिए, आज यहां पर हम लोग लिखना है, दैट इज मेरे पास प्लस 7, मैं डिकोड करके बताऊंगा, डिकोड करने पे सेम ही नंबर आएगा, कोई अलग नंबर नहीं आने वाला, दैट इज रिप्रेजेंट प्लस 7 इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन विद 4 बिट, कितने बिट, हाँ कितना बिट का रिक्वायरमेंट होगा, जो प्लस 7 को अगर आप मिनिमम
रिप्रेजेंटेशन करना है तो कितनी बिट की जरूरत पड़ेगी, 4 बिट, इससे कम पे हो नहीं पाएगा क्योंकि साइन के लिए 1 बिट और मैग्नीट्यूड के लिए आपका 3 बिट, तो कम से कम 4 बिट की जरूरत, 4 बिट में कम से कम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये मिनिमम रिप्रेजेंटेशन हो 4 बिट्स। चलो प्लस 7 का मैं आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, पहले मैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों का कर लेता हूं उसके बाद आपको फिर से समझाता हूं। पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, कम से कम कितनी बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए, चार बिट। नाउ दिस इज 8, 2 और टूज कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन सेम होगा मैग्नीट्यूड, दो एमएसबी होगी वहां पर, आप साइन बिट एमएसबी नथिंग बट ट्रीटेड एज ए या फिर बिहेविंग लाइक ए साइन बिट, और पॉजिटिव नंबर के साइन बिट में आप क्या सेंट है 0 एंड दैट इज 7 के मैग्नीट्यूड के लिए क्या आएगा, दैट इज 111। ये आपका प्लस 7 का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, कितने बिट में, 4 बिट में। चलो 8 बिट में करना चाहते हैं, सेम नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम करना चाहते हैं 8 बिट में, ठीक है। चलो 8 बिट में क्या होगा, नेक्स्ट रिप्रेजेंट प्लस 7 इन 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन विद हाउ मच बिट विल बी रिक्वायर्ड, 8 बिट में करना चाहते हैं, 8 बिट में मिनिमम कितनी बिट में कर सकते हैं, 4, जो कि उससे ज्यादा है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो दैट इज 1 तो साइन बिट मैग्नीट्यूड में क्या होगा, पहली जो एमएसबी होगी तो साइन बिट होगी, बाकी की जितनी बिट होंगी दैट इज अ मैग्नीट्यूड, तो दैट इज प्लस 7 को हमें करना है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कितनी बिट में करना है, 8 बिट में करना है, मिनिमम कितना बिट चाहिए, 4 चाहिए, उससे ज्यादा बिट में करना है तो क्या होगा देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, लाइक, ठीक है। चलिए नाउ जो एमएसबी बिट होती है दैट इज असाइन फॉर साइन बिट, और पॉजिटिव साइन के लिए वी कैन गो फॉर 0। मैग्नीट्यूड के लिए आपको कितनी बिट चाहिए, 3 बिट चाहिए, 7 के लिए, तो यू कैन बी गो फॉर दैट इज 111। अब आपको ये आपकी 7 बिट मैग्नीट्यूड है, 4 बिट तो खाली रह जाएंगी, तो आपको मैग्नीट्यूड को इफेक्ट होने नहीं दिया, तो वी कैन गो फॉर दैट 0000। चलो तो यहां से आपको एक लॉजिक समझ में आया कि अगर आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट में किसी एक साइन नंबर का पॉजिटिव नंबर का आपने क्या कर रखा है रिप्रेजेंट, मिनिमम नंबर पे आपको मान लो कि प्लस 7 को मिनिमम आप 4 बिट में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्लस 7 को उससे ज्यादा बिट में रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस 7 का 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, कितने बिट में कर लेंगे, 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, दिस इज द 4 बिट रिप्रेजेंट, ध्यान से देखे कितने बिट में रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए, 8 बिट में, लेकिन कम से कम कितना रिक्वायर, 4 बिट, तो दिस इज द 4 बिट रिप्रेजेंटेशन, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले जितना कम से कम पे करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा, 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन, कम से कम 4 बिट चाहिए तो 4 बिट में रिप्रेजेंट, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस 7, 4 बिट में आपने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको 4 बिट में नहीं करना था, 8 बिट में, तो उसके लिए 4 एक्स्ट्रा बिट है, तो 4 एक्स्ट्रा बिट के लिए आप क्या करेंगे, जो एमएसबी बिट होगी, दिस इज योर एमएसबी बिट, इस एमएसबी बिट को आप क्या कर देंगे, इस एमएसबी बिट को आप एक्सटेंड कर देंगे, ये आपकी एमएसबी बिट है, 4 बिट में करने के बाद जो एमएसबी बिट होगी उसी पे कंसंट्रेट कर, उसी बिट को आप क्या कर देंगे,
चारों एक्स्ट्रा बिट में क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, प्लस सेवन का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कितने बिट में, 8 बिट में। इसको बोलते हैं कि एमएसबी बिट को आपने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, एक्स्ट्रा बिट में आपने उसी को क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है एमएसबी बिट को कॉपी पेस्ट करना। आपने इन चारों एक्स्ट्रा बिट में एमएसबी बिट को कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एमएसबी बिट एक्सटेंशन। अगर आप जो है टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर किसी नंबर का मिनिमम रिप्रेजेंटेशन जानते हैं आप जो है कितने बिट में होगा, और अगर आपको उसको ज्यादा बिट में करना है तो आपको क्या करना है, मिनिमम बिट में रिप्रेजेंटेशन करने के बाद आप अपनी एमएसपी बिट को केवल क्या कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जितनी भी एक्स्ट्रा बिट हो कोई फर्क नहीं है। अभी भी ये किसका ही रिप्रेजेंटेशन लिखा है, प्लस सेवन का, लेकिन कितने बिट में, 8 बिट में। ये चीज पॉजिटिव नंबर के लिए भी ट्रू है, निगेटिव नंबर के लिए भी ट्रू है। हाँ, फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मालूम है और आप एक्स्ट्रा बिट में अगर किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो एमएसबी बिट को आप कितनी भी बार एक्सटेंड कर दिए कोई फर्क नहीं है, अभी भी वो उसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा लेकिन एक्स्ट्रा बिट में। ठीक है, अरे बताया तो था कि अभी जोड़ेंगे घटाएंगे, कई बार होगा कि 4 बिट में आपका आंसर गलत आ जाएगा तो हमें एक्स्ट्रा बिट में लिखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बिट में लिखने की आप एमएसबी बिट को जो है क्या करेंगे, जितनी बार भी आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी उसी नंबर का वो रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, चलो क्या इतना लिखिए, निगेटिव नंबर के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टूज कॉम्प्लीमेंट में ये ट्रिक आप निगेटिव नंबर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में ये चीज अप्लीकेबल नहीं थी कि अगर आप एक्स्ट्रा बिट में आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप केवल अपने साइन मैग्नीट्यूड को क्या कर दीजिए, एक्सटेंड नहीं कर सकते, वहां पर निगेटिव नंबर पे वो फेल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए निगेटिव नंबर के लिए भी देखते हैं, दैट इज लिखे जरा रिप्रेजेंट -7 इन द, कम से कम कितना चाहिए, -7 को रिप्रेजेंट करने के लिए +7 करेंगे, +7 के लिए 4 बिट तो -7 के लिए मिनिमम बिट होगी 4, तो 4 बिट से कम पे कर नहीं पाएंगे। दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इन 4 बिट पे करने जा। ठीक है, तो माइनस नंबर का करना है, माइनस नंबर का करने की आप +7 से स्टार्ट करो, दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 4 बिट पे करने जा रहे हैं, कम से कम 4 बिट चाहिए, तो दिस इज नथिंग बट द 0111। इसके बाद ये जो नंबर आएगा, इस नंबर का आपको क्या लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आप राइट टू लेफ्ट अप्रोच करेंगे, और कहां तक राइट टू लेफ्ट अप्रोच करेंगे और कहां तक की डिजिट को कॉपी पेस्ट करना है, पहले वन तक आप जो है सारी डिजिट को कॉपी पेस्ट कर देंगे ना, पहले वन तक कर दिया, उसके बाद जितनी भी डिजिट होंगी सबका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे ना, जीरो का वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, दिस इज वन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -7, लेकिन कितने बिट में है, दैट इज 4 बिट में। -7 का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ये है आपका 4 बिट में, दिस इज इन कितना बिट, 4 बिट, दिस इज 4। अगर 8 बिट में करना सेम नंबर को तो क्या होगा, 4 बिट में कर लिया ना, कम से कम 4 बिट चाहिए, उसके बाद केवल एमएसबी को क्या करेंगे, 4 बार हम लोग क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। देखिए रिप्रेजेंट
माइनस सेवन इन द हूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एट बिट, कितने बिट में करना है, एट बिट, कितने बिट में करना है, एट बिट में। तो निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है, निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है तो पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करें, कितने बिट में करना है, आठ बिट में करना है, तो आठ बिट में पहले करें टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन प्लस सेवन, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, नाउ दिस इज नथिंग बट द प्लस सेवन को आठ बिट में करना, मिनिमम कितना चाहिए, दैट इज नथिंग बट द आपको चार बिट चाहिए, रिप्रेजेंटेशन को जीरो ट्रिपल वन, और आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा बिट में करना है तो आप एमएस बिट को कॉपी पेस्ट कर देंगे, नाउ दिस इज नथिंग बट द मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होगा, साइन बिट में आपका जीरो आ जाएगा और दिस इज मैग्नीट्यूड, उसके बाद एक्स्ट्रा बिट में करना है तो एक्स्ट्रा हम लोग क्या करेंगे, एमएसबी बिट को कॉपी पेस्ट कर देंगे, विच बिट विल बी कॉपी पेस्ट, एमएसबी बिट, एमएसबी बिट को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया आगे तक, आठ बिट में हो गया, लेकिन आपको माइनस सेवन का करना था आठ बिट में, तो जो भी आपके पास ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट दें, टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आप हमेशा से अप्रोच करेंगे कहां से कहां बेटा, राइट से लेफ्ट तक, और कहां तक की डिजिट को कॉपी पेस्ट करना है, पहले वन तक कॉपी पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जितनी भी डिजिट होंगी सबका आप क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट लेन, जहां जहां वन होगा वहां जीरो जीरो, जहां पर बेटा जीरो होगा वहां पर वन वन, तो दैट इज नथिंग बट द दिस इज वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, और दैट इज जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन 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 वन, एंड दिस इज वन, एंड दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस सेवन इन द टू कॉम्प्लीमेंट इन एट बिट, ये आपने, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, माइनस सेवन का ही टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, कितने बिट में बेटा, आठ बिट में, कैसे किया, आप देखेंगे कि आपको माइनस सेवन का अगर आप रिप्रेजेंटेशन करना है तो मिनिमम कितना बिट में रिक्वायरमेंट था, चार बिट में, ये था चार बिट, फोर बिट, फोर बिट पे ये रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अ फोर बिट रिप्रेजेंटेशन, फोर बिट में ये रिप्रेजेंटेशन होगा माइनस सेवन, फोर बिट रिप्रेजेंटेशन, कम से कम चार बिट चाहिए, क्योंकि प्लस सेवन के लिए चार बिट तो माइनस सेवन के लिए भी फोर बिट, फोर बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस सेवन। अब आपको चार बिट कम से कम चाहिए, लेकिन आठ बिट में करना, एक्स्ट्रा बिट में करना है, तो आपने क्या किया, एमएसबी बिट पे कंसंट्रेट किया, एमएसबी बिट, एमएसबी चार, हेलो चार बिट में करने के बाद, हेलो चार बिट में करने के बाद, व्हाट इज द एमएसबी बिट, दिस इज द एमएसबी बिट, इसी एमएसबी बिट को आपको क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, इसी एमएसबी बिट को आपको क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना, चार बिट में करने के बाद उसको आप एक्सटेंड करेंगे, चार बिट में करने के बाद आप देखेंगे व्हाट इज द एमएसबी बिट, दिस इज द एमएसबी बिट, दिस इज द एक्सटेंड, तो कुछ नहीं करना है, बाकी आपको अगर एक्स्ट्रा बिट में करना है तो आपको क्या करना है, केवल एम एस बी बिट एक्सटेंशन कर देना, एम एस बी बिट आपकी वन थी, इसी को आपको एक्सटेंड कर दीजिए आठ बिट में, कितनी बार भी आप एक्सटेंड करिए, अभी भी ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, माइनस सेवन, इसको जब मैं डिकोड करूंगा तो माइनस सेवन ही आएगा, इस टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को, ये एक साइन नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, किस साइन नंबर का, माइनस सेवन का, आठ बिट में रिप्रेजेंटेशन है,
चलिए तो मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ आपको, मुझे उनका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन बताना है, मिनिमम कितनी बिट में होगा और अगर ज्यादा बिट में कर पाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फिर डिकोड करना सिखाता हूँ कि अगर टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया साइन नंबर का तो हम उसको डिकोड कैसे करेंगे, क्या डेसिमल नंबर है जिसका वो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या साइन नंबर है। चलिए देखिए यहां भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, दिस इज द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग साइन नंबर इन द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, यही क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ नंबर मैं आपको दे रहा हूं, चलो हाँ जी अरे चलिए लिखे क्वेश्चन, बस यहां पर आपको कर देना है टूज कॉम्प्लीमेंट। आपको मैं कुछ साइन नंबर दे रहा हूं उनके टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जैसे पहला एग्जांपल है प्लस 11 का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना है, ये बताइए अगर मैं प्लस 11 का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो कितना बिट चाहिए, मिनिमम बिट बताए कितने मिनिमम बिट में हो पाएगा, साइन के लिए 1 बिट और बेटा प्लस 11 के लिए 4 बिट, तो टोटल 5 बिट में होगा मिनिमम रिप्रेजेंटेशन। पॉजिटिव साइन के लिए साइन बिट में आप 0 साइन करते हैं और 11 के लिए होगा 8 और 2 10 1 11, तो दैट इज नथिंग बट 8 4 2 1 में 8 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे 1 आएगा और 1 के नीचे 1 आएगा, दिस इज नथिंग बट 1011। कितने बिट में रिप्रेजेंटेशन क्या है, 5 बिट में, 5 बिट में रिप्रेजेंटेशन क्या, मिनिमम रिप्रेजेंटेशन के लिए 5 बिट चाहिए। अब आपसे बोले कि आप प्लस 11 को ही 8 बिट में करिए, 5 बिट में कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बिट में चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आप एमएसबी बिट को एक्सटेंड करें, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 8 बिट में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 5 बिट में कर चुके मिनिमम रिप्रेजेंटेशन, दिस इज साइन बिट इज 0 एंड दिस इज 1011, 5 बिट हो गया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा बिट है तो आपको अपनी एमएसबी, दिस इज योर एमएसबी, इसी बिट को 3 बार एक्सटेंड कर देना, 1 2 3, ये कितनी बिट में रिप्रेजेंटेशन है, प्लस 11 का ही रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट। इन दोनों नंबर को जब जो है टूज कॉम्प्लीमेंट को मैं डिकोड करूंगा ना तो प्लस 11 ही आएगा, अगर आप 16 बिट में करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, मिनिमम रिप्रेजेंटेशन मालूम है, बस एमएसबी को आप कितनी बार भी एक्सटेंड करिए कोई दिक्कत नहीं। पांच बिट में मिनिमम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, नाउ दिस इज 0, साइन के लिए 0 और मैग्नीट्यूड के लिए 1011। अब आपके पास एक्स्ट्रा कितनी बिट बची, 16 बिट में करना है तो 11 बिट बचिए, इसी एमएसबी बिट को आप क्या करिए, इसी एमएसबी बिट को आप एक्सटेंड करिए, कितनी बार, 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ठीक है, ये भी आपका जो है 16 बिट में रिप्रेजेंटेशन है किसका, प्लस 11, इसको डिकोड करने पे प्लस 11 ही आएगा, मैं डिकोड करके दिखा दूं 16 बिट, ठीक है। चलो एक निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इतना लिखें
चलो हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं -8 का आपको क्या करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना है। ये बताओ कम से कम कितना बिट चाहिए -8 के लिए। -8 का करना है तो +8 का करेंगे। +8 के लिए कितना बिट चाहिए? 5 बिट चाहिए। तो -8 का भी मिनिमम रिप्रेजेंटेशन 5 बिट में हो पाएगा। तो नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव नंबर से। +8 का पहले मैं करूं। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। साइन बिट जो है प्लस के लिए साइन बिट होती है 0 और बेटा 8 के लिए 4 बिट चाहिए 1000। दिस इज द +8 का रिप्रेजेंट। लेकिन -8 का करना है तो हम इसका क्या लेंगे? इस बाइनरी नंबर का आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहले वन तक आपको सारी डिजिट यहां तक की डिजिट कॉपी पेस्ट होंगी और फिर एक डिजिट है इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो दिस इज 100 ये कॉपी पेस्ट हो गई और उसके बाद एक 0 बचा उसका आप क्या कर ले लेंगे? कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका -8 का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, जैसे कितने बिट में है? 5 बिट मिनिमम 5 बिट लगेंगे। मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि -8 का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करने लेकिन 8 बिट में, तो मिनिमम बिट में मालूम है 8 बिट में करने के लिए आप एमएसवी बिट को आप क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 5 बिट में आप कर चुके हैं मिनिमम रिप्रेजेंटेशन, 8 बिट में करना है, कुछ नहीं करना पहले 5 बिट में करेंगे 1100। ये 5 बिट में हो गया। उसके बाद आप देखेंगे एमएसबी बिट, दिस इज योर एमएसबी बिट, एक्स्ट्रा बिट है 3, इसी को आपको क्या करना है? एक्सटेंड करना है 111। दिस इज द -8 का रिप्रेजेंटेशन है कितनी बिट में? 8 बिट में। इन दोनों नंबर को, इन दोनों टूज कॉम्प्लीमेंट को जब हम जो है डिकोड करेंगे तो -8 ही आएगा। 16 बिट में अगर करना है कोई दिक्कत नहीं है, एमएसबी बिट को एक्सटेंड करते जाइए बस। चलो मिनिमम 5 बिट चाहिए और रिप्रेजेंटेशन होगा 1100। एमएसबी बिट इज दिस 11 बार, 16 बिट में करना है 5 बिट हो गई, 11 बार इसको एक्सटेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन -8 इन 16 बिट। चलिए अब डिकोडिंग करना सीखेंगे। इतना लिखिए,
चलो डिकोडिंग करने लिखें, अगर आपके पास एक साइन नंबर है उसको हम डिकोड कैसे करते हैं कि किस साइन नंबर का वो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। तुम लोग को भी मिलेगा, कोचिंग में आना कल, तुमको भी खिला देंगे आलू बंडा, खाओगे? चल कोई बात नहीं, अभी तुम लोग घर जाओगे दीपावली में, मम्मी से बोलना मस्त बना के खिलाएंगी है, क्यों? चलो पार्टी कल है, तुम लोग पता लगाओ किसके यहाँ पार्टी है, और आप लोग पहुंच सकते हो कल, आपके पास पनीर खाने का अच्छा मौका है कल है। चलो वेरी गुड, इधर आओ। डिकोडिंग ऑफ साइन नंबर रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट, डिकोडिंग ऑफ साइन नंबर रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, एक साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, आपको बताना होगा उस साइन नंबर की वैल्यू कितनी है डेसिमल। हिमांशु सर का बर्थडे है, वेरी गुड, तो हिमांशु सर को पकड़े और बर्थडे की पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ, अब देखो क्या करेंगे, जब भी आपके पास कोई टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है तो उसको डिकोड कैसे करेंगे कि वो किस साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट। उसके लिए सबसे पहले जो आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है उसकी एमएसबी बिट देखेंगे। एमएसबी बिट दो केस बनेंगे, या तो एमएसबी में वन होगा या तो जीरो होगा, दो ही केस बनेगा। सबसे पहले यू कैन बी फोकस ऑन द एमएसबी बिट, जो भी आपको टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट, ये एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा और इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आपको एमएसबी बिट देखनी है। अगर आपकी एमएसबी बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में एमएसबी बिट आपकी क्या है, एमएसबी बिट आपकी क्या है, जीरो है, तो ऐसे टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को डिकोड करने के लिए अगर एमएसबी बिट जीरो है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट एमएसबी बिट जीरो है, तो आप सबसे पहले कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। उसके बाद ये जो आपके पास बाइनरी नंबर लिखा होगा, ठीक है, या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट जो कि बाइनरी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, इस बाइनरी नंबर का आपको क्या कर लेना है, यहां पर डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देना, केवल डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देना, दैट इज डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देना। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यही चीज करते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट में एमएसबी जीरो होता था, पॉजिटिव साइन लगाते थे, और जो भी आपके पास नंबर लिखा होता था उसका आप क्या करते थे, डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते थे, बाइनरी नंबर ही लिखा होता था, डेसिमल इक्विवेलेंट कर देना था कोड लगा के, पोजिशन वेट लगा के, ठीक है। लेकिन अगर एमएसबी बिट में आपका क्या लिखा है, वन, एमएसबी बिट में क्या लिखा है वन, तो आप सबसे पहले कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद ये जो बाइनरी नंबर होगा, फिर जो टूज कॉम्प्लीमेंट जो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, इस बाइनरी नंबर का क्या लिखेंगे, यहां पर टूज कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद, ठीक है, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह की जगह लगा देंगे, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह की जगह लगा देंगे, और ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, इसका हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट लिखने वाले हैं। चलो अब मैं आपको जो है कुछ साइन नंबर के टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, और आपको मुझे उसको डिकोड करके बताना है डेसिमल इक्विवेलेंट, किन साइन नंबर का वो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा।
हिमांशु सर की एनिवर्सरी है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, आप बिल्कुल घर का पता लगाए, पनीर कल उनके घर में बनेगा, आराम से पनीर खाए, पहुंच जाओगे तो मना थोड़ा करेंगे सर, तब तो कहेंगे आओ आओ बेटा आओ आओ, चलो खाओ तुम लोग भी खाओ, है ना। रगड़ देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है, खाने पीने में क्या रगड़ना है, क्लास में रगड़ेंगे फिर, जितने का पनीर खाया होगा फिर क्लास में निकालेंगे पनीर तुम्हारा है। चलो आ जाओ, चलो तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्या मेरे ख्याल से आपको प्रोसीजर समझ में आएगा। डिकोडिंग, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी साइन नंबर का दिया तो उसको हम डिकोड कैसे करते हैं, लिखें, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, चलो लिखें, ये क्या हो रहा है, आईपैड की भी कुछ बुद्धि खराब हो जाती है थोड़ी देर के बाद, है ना, तुम ही लोगों की तरह है, थोड़ी देर पढ़ेगा अच्छा से चलेगा, उसके बाद जो है ये भी गर्म होने लगता है, ये बहुत देर हो गई है ना, चलो लेकिन कुछ नहीं, फिर से इसको जो है ठंडा वंडा करके फिर से चालू, हाँ खोपड़ी अभी इसकी तोड़ देंगे थोड़ी देर में, ठीक है परेशान ना हो, इधर आओ, फॉलोइंग फॉलोइंग नंबर आर रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग साइन नंबर, फॉलोइंग या फिर सम साइन नंबर आर रिप्रेजेंटेड, ये लिखो सम, साइन नंबर आर रिप्रेजेंटेड सम साइन नंबर आर रिप्रेजेंटेड क्या हो रहे इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, कुछ साइन नंबर का मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सो दैट डिकोड दे, मतलब उनका डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए, वो साइन नंबर आपको बताना, सो दैट डिकोड दे, उनको आप डिकोड करो, ठीक है उनको हम डिकोड करते हैं, चल लिख रहे हैं, दैट इज आ जाओ, पीछे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैंने आपको सात आठ एग्जाम्पल दिए थे ये दिए हुए थे, चलो जो यहां पर देख लेते हैं कि दैट इज +7 +11, +11 था ना, +11 का ये 5 बिट में था, ये आपका 8 बिट में था, क्या ये दोनों एक ही नंबर के टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, देखते हैं, चलो जैसे 0 0 दैट इज 11 ना, 8 0 1 1 डिकोड करना, ये 5 बिट में था और ये 8 बिट में दे देता हूं, 1 2 3 4 1 0 1 1, फिर उसके बाद हम लोग ने -8 को रिप्रेजेंट किया था, -8 का रिप्रेजेंटेशन था 0 दैट इज 110, तो जब अपने निकाला था तो इतना आया था आपके पास, दैट इज 1100,
बिट में मिनिमम कर सकते थे 11000, ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन डिकोड करना, ये 5 बिट में था। अगर 8 बिट में भी करेंगे ये भी आपका भी मैंने बोला था सेम ही रहेगा। चलो वन जीरो जीरो इसको डिकोड करना है, किस साइन नंबर का ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, 1010। चलो डिकोड करते हैं, आज 6 नंबर को डिकोड करना सीखते हैं। लिखेंगे 6 कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, यहां आ जाइए। ये आपके पास एक साइन नंबर है जिसका मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया है, उस साइन नंबर को बताना है किस साइन नंबर का है। तो आप देखेंगे जब भी आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया होगा तो सबसे पहले एमएसबी बिट पे फोकस करना है, दिस इज योर एमएसबी बिट। ये कौन सी बिट है, एमएसबी बिट। एमएसबी पे क्या है, जीरो है। अगर जीरो है तो इसको डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाते हैं। प्लस साइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास बाइनरी नंबर लिखा ना इसको क्या करने वाले हैं, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट करने वाले, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट लिखने के लिए हर एक डिजिट का पोजिशन वेट लिखेंगे, तो हर एक डिजिट के ऊपर उसका पोजीशन वेट लिख दे रहा हूं, दिस इज 1 2 4 8 16। और बेटा जिस आपका 1 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेट को ऐड कर दे, 1 के करस्पॉन्डिंग जो जो पोजीशन वेट होंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग जो जो पोजीशन वेट है उनको केवल ऐड कर देना। तो कौन कौन से ऐड हो जाएंगे, 8 2 10 1 11, दिस इज 11। तो ये बेटा जो आपको पास टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखा है किस साइन नंबर का है, दिस इज प्लस 11 का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं, 8 बिट में किया था ये भी प्लस 11 ही आना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले आप देखेंगे जो भी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है उसमें एमएसबी बिट देखिएगा, एमएसबी बिट क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले आप क्या लगाने वाले हैं, प्लस साइन लगाने वाले। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये डेसिमल, जो भी ये बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, हर एक डिजिट के पोजीशन वेट लिखेंगे। चलो हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेट लिखने वाला हूं, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब कौन कौन से पोजीशन वेट ऐड करने हैं, 1 के करस्पॉन्डिंग सारे पोजीशन वेट क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए, 1 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेट को ऐड कर दीजिएगा। और जब 1 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेट ऐड होंगे, 8 2 10 11, दिस इज द 11। तो ये भी किस साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, प्लस 11, लेकिन कितने बिट में, 8 बिट। देखिए नाउ इसके बारे में बात करते हैं, इस टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को डिकोड करते हैं किस साइन नंबर का ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले जब भी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखा होगा आपको फोकस करना है एमएसबी बिट पे, दिस इज योर एमएसबी बिट। एमएसबी बिट क्या है, 1 1 देखते ही आपको क्या लगा देना, कौन सा साइन लगा देना, माइनस साइन। और ये जो नंबर लिखा होगा, बाइनरी नंबर लिखा होगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना, टूज कॉम्प्लीमेंट। चलो टूज कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो पहले 1 तक सारी डिजिट कॉपी पेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद 1 बचेगी, इसका आपको क्या कर देना है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना। तो दैट इज
आपके पास आएगा 0001 और उसके बाद एक बिट बचेगी, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0। उसके बाद ये जो आपके पास नंबर आएगा ना, इस नंबर का आपको क्या करना है, डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पोजीशन वेट लिखेंगे। और बेटा पोजीशन वेट लिखने के बाद 1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी पोजीशन वेट है सबको ऐड कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस, यहां पर कितना आएगा, केवल 8 आएगा। डेसिमल नंबर, दिस इज माइनस। चलो नेक्स्ट, ये आपके पास एक साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है और इसको डिकोड करना है। तो सबसे पहले एमएसबी बिट देखा, एमएसबी बिट में क्या है, 1, कौन से साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। अब इस नंबर का आप क्या करने वाले हैं, दैट इज बाय इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 1 तक तो सब बेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहां तक। उसके बाद आप क्या करेंगे, हर एक डिजिट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। Now this is nothing but the 100, यहां तक कॉपी पेस्ट हुआ। उसके बाद आपका क्या होगा, 4 बार 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे हर एक डिजिट का। अब इस नंबर का आपको क्या कर देना है बेटा, डेसिमल लिखना है, इस नंबर का डेसिमल लिखना, डेसिमल इक्विवेलेंट 1, हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग पोजिशन वेट लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। केवल 1 के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेट है वो ऐड होगा, तो ये माइनस साइन तो वैसे ही आ जाएगा पर केवल 8 आ जाएगा। तो दिस इज -8 का ही ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। यहां पर बात करते हैं, यहां Now, यहां पर आपके पास ये आपके पास एक साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसको डिकोड करना है। तो सबसे पहले एमएसबी बिट पे फोकस करिए, एमएसबी बिट पे क्या है, 1, यहां पर आप माइनस चाहे चिन्ह लगा देंगे और इस बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे यहां से कहां तक कॉपी पेस्ट करना है, 1 तक, लास्ट में ही 1 है तो पूरा पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए, 1000। अब इस नंबर का केवल आपको क्या ले लेना है, डेसिमल इक्विवेलेंट बराबर करके लिखेंगे, माइनस डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 8, कितना आएगा, 8। This is -8। इसका जब आप डेसिमल निकालेंगे तो 1 पोजीशन वेट लिखे 1। अरे यार पता नहीं आज क्यों फैल रहा है इतना, 1, 2, 4, 8, 1 के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेट ऐड हो जाएंगे, दिस इज 8। तो दिस इज -8 का ही रिप्रेजेंटेशन। छठवें वाले का -11 होगा, देखते बिल्कुल सही, छठवें वाले का -11 होगा। सबसे पहले एमएसबी बिट पे फोकस करिएगा, एमएसबी बिट 1 है, क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। और माइनस चिन्ह लगाने के बाद आपको जो भी ये आपके पास नंबर दिया है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कहां तक बेटा कॉपी पेस्ट करना है, 1 तक, पहले ही 1 मिल गया केवल यही कॉपी पेस्ट होगा। उसके बाद इस सारे नंबर का डिजिट का जो है कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 1 आ गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का 1 और बेटा 1 का 0। उसके बाद ये जो नंबर आया है ना इसका आपको डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना, माइनस लगा दिए, पोजीशन वेट लिखे 1, 2, 4, 8, 16, 1 के करस्पॉन्डिंग
वन के करस्पॉन्डिंग जितने भी आपके पोजीशन में थे सबको ऐड, 8 2 10 11, तो दिस इज 11, दिस इज माइनस 11 का ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। चलिए चलिए, अब यहां पर हम लोग रेंज लिखने जा रहे हैं, रेंज लिखने। ये बताइए, अगर मैं 4 बिट पे, आपके पास कुछ साइन नंबर है, 4 बिट पे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4 बिट पे आपके 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अगर मैं 4 बिट का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करूं साइन नंबर का, तो 16 साइन नंबर आएंगे, उसमें से मिनिमम साइन नंबर क्या होगा और मैक्सिमम साइन नंबर क्या होगा वो मुझे आपको पता। रेंज बतानी है कहां से लेके कहां तक, कि किन किन साइन नंबर को हम 4 बिट में उसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए 5 बिट पे मैं कुछ साइन नंबर, 5 बिट पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 32। 32 साइन नंबर को आप 5 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिनिमम साइन नंबर क्या होगा जिसको मैं 5 बिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैक्सिमम साइन नंबर क्या होगा उसकी वैल्यू आपको बता दू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मिनट जरा मैं इसको पूछ लेता हूं यार, जो है आ जाइए जरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेंज का। चलिए यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं, मैं 4 बिट पे 16 साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं। अगर आप 4 बिट पे साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 16 साइन नंबर होंगे, मिनिमम साइन नंबर क्या होगा और मैक्सिमम साइन नंबर क्या होगा ये आपको मुझे बताना। चल यहां मैं लिख रहा हूं, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर इन 4 बिट, कितने बिट में? 4 बिट पे। और यहां पर मैं लिख रहा हूं उसका डेसिमल इक्विवेलेंट, उसको डिकोड करके, डिकोडिंग करना मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, दिस इज द डिकोड करें। ठीक है, तो अगर 4 बिट पे आप क्या कर रहे हैं, 4 बिट पे आप साइन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो 4 बिट में केवल आपके पास 16 कॉम्बिनेशन, 16 साइन नंबर को ही आप 4 बिट में उनका टूज कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर बताएं क्या? चाहे चंचल गलत है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, रेंज गलत है कि कहां से लेके कहां तक साइन नंबर को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, गलत है। चलो लिख रहा हूं यहां पर, 4 बिट का लिखना है ना, B3, B2, B1, B0। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14 एंड दिस इज 15। ठीक है, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, लिखते हैं। गलत है बी के, तुम्हारा भी गलत है।
पहले हम अल्टरनेट 01 01 01 01 01 01 01 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है। फिर 2 बार 0 2 बार 1 यही 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं। 16 साइन नंबर को ही हम लोग क्या कर सकते हैं 4 बिट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिनिमम साइन नंबर क्या होगा मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम अगर तो रेंज बता पाएंगे यहां से यहां तक के हम साइन नंबर को इन 16 साइन नंबर को 4 बिट में 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1 फिर 8 बार 0 8 बार 1 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो डिकोडिंग करना सीखते हैं। ये आपके पास 16 साइन नंबर है जिनका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कितने ही बन सकते हैं 4 बिट में 16 ही साइन नंबर को हम जो है 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिनिमम नंबर बताना है मैक्सिमम नंबर बताना, बिल्कुल सही देवेश बिल्कुल सही बताया है कि मिनिमम इज 8 एंड दैट इज मैक्सिमम प्लस 7 माइनस 8 से लेकर प्लस 7 तक इन 16 साइन नंबर को ही 4 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। ये रेंज है यहां से लेकर यहां तक के साइन नंबर 4 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएंगे 16 नंबर होंगे ठीक है। चलो यहां पर जब आप इस 2's कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले MSB देखेंगे, MSB में 0 है, MSB पे आपका 0 है प्लस चिन्ह लगा दिया और फिर उसके बाद ये जो नंबर लिखा है ना इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लगाएंगे तो जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 0, तो ये आपका प्लस 0 का रिप्रेजेंटेशन है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 4 बिट में। ये आपका किसका बेटा, ये आपका प्लस 1 का है, जब डिकोड करेंगे तो आएगा प्लस 1, ये प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। चल इसके बाद इस 2's कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट को हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं तो पहले एमएसबी में क्या हुआ 1 है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा 1000 और इसका डेसिमल इक्वल लिखेंगे 8, तो इसको जब डिकोड करेंगे तो आएगा माइनस 8 माइनस 7 दिस इज माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 और इसको जब डिकोड करने जाएंगे ना डिकोड करने जाएंगे यहां पर ये है 1 तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। माइनस चिन्ह लगाने के बाद आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपको पहले 1 मिलेगा बाकी 0 हो जाएगा तो दिस इज नथिंग बट द माइनस 1। मैंने डिकोड कर दिया, देख लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो डिकोड करना मैंने आपको बताया है आप डिकोड कर सकते हैं। और 4 बिट पे यही 16 आपके साइन नंबर हैं जिनका आप क्या कर सकते हैं 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन करना। रेंज बताइए कहां से कहां तक के साइन नंबर को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर -8 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर +8। तो मैं लिख रहा हूं रेंज लिख रहा हूं 4 बिट के लिए, रेंज लिख रहा हूं विद 4 बिट। अगर आपने क्या किया है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन किया है कितने बिट में 4 बिट में, 4 बिट में अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं साइन नंबर का तो मिनिमम नंबर जो आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे 4 बिट में वो होगा -8 और जो मैक्सिमम नंबर आप 4 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में वो होगा +7। दिस इज द -7 से लेकर +7 तक सारे नंबरों को इन साइन नंबर को आप 4 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये 16 नंबर होंगे। अच्छा जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे -8 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 4 बिट है ना इसके लिख सकते 2 की पावर 4 -1 और बेटा 7 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 -1 -1। चलो इसको मैं सही से लिख देता हूं, प्लस लगा दिया 2 की पावर 4 -1 -1 ठीक है। दिस इज द रेंज।
अगर 4 बिट है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, 5 बिट में आप जो है 32 नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। रेंज क्या होगी उन साइन नंबर में, मिनिमम नंबर क्या होगा, -2 की पावर 5 -1 से लेके +2 की पावर 5 -1 -1। तो दिस इज रेंज, वेट 5 बिट। अगर आप 5 बिट पे 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करें साइन नंबर का तो 32 नंबर आएंगे। वेयर इज +8, पगला गया क्या, +8 केवल इतने ही 16 नंबर का सर, +8 कहाँ आएगा भाई, +8 का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको 5 बिट पे जाना पड़ेगा। +8 का जब 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 5 बिट जाएगा, इसके लिए 0 that is 100, 5 बिट, 4 बिट में नहीं हो पाएगा, ठीक है। 32 नंबर आएंगे, व्हाट द मिनिमम नंबर, तो आपने लगाया माइनस, देखो यहां से फार्मूला लिख रहे हैं, 4 बिट था तो यहां 4 आया था, 5 बिट के लिए आएगा 2 की पावर 5 -1 से लेके +2 की पावर 5 -1 -1, तो ये बेटा आ जाएगा 2 की पावर 4, तो -16 से कहां तक के नंबर आपके रिप्रेजेंट हो पाएंगे, दैट इज +15 तक के, टोटल इसके बीच 32 नंबर हुए, गिन लीजिएगा, 0 से लगा के 15 तक 16 और -1 से लगा के -16, दैट इज 16, तो 32 नंबर होंगे, और नंबर जो साइन नंबर -16 से लेके +16 तक के नंबर्स को आप जो है क्या कर सकते हैं, 5 बिट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर n बिट का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर, रेंज क्या होगी, लिख रहा हूं रेंज फॉर n बिट। अगर आप जो है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं n बिट पे, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर एंड व्हाट इज द मैक्सिमम, तो कितने नंबर होंगे, 2 की पावर n नंबर होंगे। हेलो, यहां पर देखो 32 नंबर है, लेकिन 32 नंबर में रेंज क्या, -16 से प्लस, यहां पर 16 नंबर है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, -8 से लेके +7 तक। अगर आपके पास n बिट का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर n, स्टार्ट कहां से होगा, मिनिमम साइन नंबर और मैक्सिमम साइन नंबर, तो रेंज पूछ रहा है, स्टार्ट होगा -2 की पावर n -1 से लेके +2 की पावर n -1 -1, दिस इज द रेंज। ये याद रखिएगा फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है n बिट के लिए, 4 बिट से ही बनाया है। ये मिनिमम साइन नंबर होगा और ये मैक्सिमम साइन नंबर होगा जो n बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टोटल 2 की पावर n नंबर होंगे जिनको हम लोग n बिट पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्या किसी को फार्मे में कोई दिक्कत है, इस फार्मे से आप ऊपर वाले फार्मे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना है 6 बिट पे, तो मिनिमम रेंज क्या होगी, 6 बिट में आप 2 की पावर 6 जब निकालेंगे तो 64 नंबर आएंगे, और उस नंबर में मिनिमम नंबर क्या होगा, साइन नंबर, मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं, -2 की पावर 6 -1, तो दैट इज -32 से लेके +31 तक के बीच में 64 नंबर होंगे, 64 नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्रॉल अप, चलो स्क्रॉल कर देते हैं, चलो कर दिए स्क्रॉल कर दिए। अच्छा, इसमें ड्रॉबैक था, 1's कॉम्प्लीमेंट में 0 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 रिप्रेजेंटेशन करते हैं, 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, साइन मैग्नीट्यूड में भी 0 के लिए 2 रिप्रेजेंट, लेकिन आप देखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट में 0 के लिए कितना रिप्रेजेंटेशन, एक ही रिप्रेजेंटेशन है। क्या यहां पर एक ही नंबर 0 के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन है, नहीं है, तो जो ड्रॉबैक था 1's कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड में वो ड्रॉबैक नहीं है, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में 0 को हम केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन द्वारा क्या करें, रिप्रेजेंट, तो नो ड्रॉबैक इन द 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। लिखिए, चलो लिखे, नोट करके लिखे, नो ड्रॉबैक, जो ड्रॉबैक आपके 1's कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, वो ड्रॉबैक नहीं है। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में 0 के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे थे, +0 और -0, वो था ही 0,
नो ड्रॉबैक, नो ड्रॉबैक इन द टूच कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वी विल ओनली यूज वन रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो, दैट इज इन द टूच कॉम्प्लीमेंट in the 2's complement representation, 0 is having, 0 is having only one representation. ये वाला वन लिख देता हूं, दैट इज जीरो को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो केवल किसका रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं, जीरो का टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एक ही रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं और वो क्या है, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रख लें, क्योंकि थोड़ा सा आईपैड सही चल नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको जो है गर्म हो रहा है, ठीक है। तो टॉपिक कंप्लीट है, कल मैं आपको 3-4 क्वेश्चन इसके करवा दूंगा, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक को एडिशन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम लोग कैसे एडिशन करते हैं साइन नंबर का, और टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से कैसे एडिशन करते हैं, फिर ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। कल सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। किसी डॉक्टर के पास नहीं दिखाएंगे, इसको साफ साफ कर देंगे, हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। कल पार्टी है भाई, आज पार्टी नहीं है, गलती से मुझे याद था कि आज पार्टी है। चलो लैपटॉप को भी बुखार आ गया मुझे लग रहा है। चलो थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, कल क्लासेस रहेंगी, सारी क्लासेस रहेंगी।